एक तो co-founder बना रहे हैं आपको फिर भी किराया देना पड़ेगा क्योंकि sixth वाली थोड़ी heavy है। टोटल हम ले नहीं रहे, बजट लो। मालिक तो नहीं, मालिक बनना आ जा रहा है सवाल। स्पेस तो सही है। तो नेक्स्ट मील में हम यूज करने वाले आलू और यहाँ पे स्टफ, अभी हम बोल सकते स्टफ रखेंगे। रात में भी काफ चल रहे हैं मेरे। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन और आई होप सब लोग बढ़िया हो। सुबह सुबह मॉम ने काम पे लगा दिया है। रुको पहले से नीचे करते हैं, बहुत हो गया काम। तो लेबलिंग ये सब पता नहीं क्या इनका काम है भाई, अभी हमारा काम नहीं हुआ है स्टार्ट। हमारा काम भी होने वाला है स्टार्ट, बाद में पता चलेगा भी इसी वीडियो में। आज फुल डे ऑफ ईटिंग है मेरा, गेनिंग चल रही है फुल ऑन रॉक्स एंड गेनिंग के लिए नई नई चीजें ऐड कर रखी है डाइट। और ये मेरा फेस वन है, इसके बाद फेस टू भी होगा, थ्री भी होगा, लेकिन ये फेस वन की डाइट होगी। और आज मेरा रेस्ट डे है, फ्राइडे को भी रेस्ट हो गया मेरा एंड संडे तो होता ही है। तो आज सुबह सुबह मैं अपने काम पे लगा दिया, नो रेस्ट ओनली वर्क मोड। कमांड दे दी होता रहेगा जब तक हम फर्स्ट डाइट लेते अपनी। और ये हमारी फर्स्ट डाइट, मॉम ने हमारा काम किया है, हम मॉम का काम कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट डाइट में ओट्स, रोल्ड ओट्स, नॉट वन सिंपल वाले, और जो कि है 90 ग्राम्स, 4 होल एग, 4 अंडे खाने, अंदर वाला भी खाना है, और इसके साथ 1 एप्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। आज एप्पल एग, कभी बनाना हो जाता है, कभी ब्लूबेरीज हो जाती हैं, तो चेंज होता रहता है। और इस बार गेनिंग करनी है, ऐसे कैसे नहीं होगी गेनिंग, इतना खाऊंगा मैं। जैसे कि पता है कि मेटाबॉलिज्म ऑन फायर, तो इसलिए जितना खा सकते हैं हम उतना खा रहे हैं। इस बार हमें चाहिए साइज, दवा के साइज चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ कि सातवीं मील भी हो जाए, होती नहीं है बट वो 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। फैट प्रोटीन कार्ब्स फुल ऑन फायर चल रहा है, बढ़ा दिया सब कुछ, गुड फैट भी। देख रहे हो कि 4 वॉल एग खा रहा हूँ मैं, पहले कभी खाए नहीं, लिखा है तो खाना तो पड़ेगा, अब जो लिखा है वो तो खाना ही पड़ेगा। तो गाइस सेकंड मील का टाइम हो चुका है और थोड़ा लेट हो गए, मॉम का काम और ऊपर से पूरे दिन तो इसी में लग जाता है कि 6 की 6 मील करनी है, दो 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 घंटे में है, कभी 2.5 घंटा हो जाता है, कभी 3। मैं ट्राई करता हूँ कि 1 मील एक्स्ट्रा हो जाए, 7 मील हो जाए, कोई कमी ना पड़े। लेकिन ये वाली मील होती है ना, इसके बाद ऐसे भूख मर जाती है। इसमें अभी हम ले रहे हैं वाइट राइस, जो कि लेने हैं हमें 250 ग्राम, और फिर इसके साथ 2 रोटी, ये होल व्हीट आटे की है। टोटल हम ले नहीं रहे, बजट लो। इसके साथ स्वीट पोटैटो, लोगों ने शायद से देखी होगी ये वाली मील, मैंने एक दिखाई थी पहले, लेकिन और भी हैं अभी आगे। ये 200 ग्राम स्वीट पोटैटो, तो इन्हें पहले गर्म कर दूं मैं। और फिश हमने बना दी थी, और ये नया एयर फ्रायर आया हमारे पास, पैसा खर्च करा गया है। पुरानी चीज खराब हो जाए ना तो उन्हें फेंक देनी चाहिए। तो ये इसके अंदर डाल रखी है सैलमन कर रखी है, महंगा सौदा। ये बन गई है, पहली भी रख दी थी मैंने। और आज आंटी नहीं आई, अंजू आंटी, आज मोम लगी हुई है। मोम नया चैनल स्टार्ट कर रही है, अभी मोम, अभी नहीं अभिषेक मोम, अभिषेक मोम, अभी मोम कर लेते हैं। ज़्यादा ये चैनल आन का कॉम्पिटिटर भाई, देखा एक्यूरेट, देख लो। बॉय देसी स्टफ डाल रहे हैं हम अपने रैप में, जो कि चटनी, कैचअप वैचअप बहुत हो गया है, अब चलेगी चटनी। ये राइस में भी डाल देते हैं, ये हो गया हमारे रैप रेडी। सैलड कुछ भी नहीं है इस वाली मील में, सैलड आगे है एक दो मील में, वो देख लेना भाई। फिर आपने सही से नहीं बनाई, मैं बोला था
15-10 घुमाया होगा आपने। इस मील के बाद एक जगह जाएंगे, कुछ लॉन्च होने वाला है, तुम्हारा भाई करने वाला है कुछ लॉन्च, तो स्टे कनेक्टेड। पहले आज जगह दिखा के हूँ आप लोगों को जहाँ पे काम चल रहा है। तो अभी ये मील के 40 मिनट्स बाद में ले रहा हूँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि इतना ठूस रहा हूँ तो उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए गट हेल्थ को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे तरह से, मतलब कि ज़्यादा उस पर लोड ना है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये दिन में मैं 3 बार पीता हूँ, कोई भी 3 मील के बाद, और मील के 40 मिनट्स बाद लेता हूँ, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएं बॉडी के अंदर, कोई भी एक ग्राम प्रोटीन वेस्ट ना जाए। अगर ये वाली डाइट आप ट्राई करोगे तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करके रखना, हेल्प मिलेगी बॉडी को। और इसके बाद निकलते हैं यहाँ से हमारे स्टूडियो में। और मॉम स्टूडियो बन गया हमारा, मॉम की कंपनी में हमने एक फ्लोर ले लिया स्टूडियो के लिए, वो भी दिखाते हैं किराया। एक तो को-फाउंडर बना रहे हैं आपको, फिर भी किराया देना पड़ेगा, ठीक है वो तो सब होता रहेगा। क्योंकि वहाँ जाके लोकेशन भी जाके लेंगे, अभी टाइम नहीं है, तो टाइम हुआ भी नहीं है मेल का भी, वहाँ जाके दिखाते क्या क्या भर रखा है मेज पे। नाउ वी आर रेडी टू गो, मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, देखते हैं क्या है, क्या सुविधा है। चलो तो शरीर इतना बढ़ गया है, नई गाड़ी कटवानी पड़ेगी अब। चलो लेट्स गो टू द स्टूडियो। स्टूडियो के नाम पे बस खाली दीवार है अभी शायद से, देखते हैं अभी क्या हाल है। मॉम से भीख मांगी हमने कि एक फ्लोर दे दो हमें, खाते ही नींद आने का मन करता है, इतने ज़्यादा काफ्स हैं। ठीक है इसी बहाने डाइजेस्ट हो जाएगा आज, नहीं तो विदाउट वर्कआउट तो डाइजेस्ट हो नहीं पाता खाना इतना। ये वाली मशीन हटानी पड़ेगी, ठीक है स्पेस तो सही है। तो यहाँ पे बनाएंगे हम स्टूडियो, और ये ब्रेक रूम हो जाएगा जहाँ पे फोटो शूट होंगे, ये वाली जगह पे। और यहाँ पे स्टफ, अभी हम बोल सकते हैं स्टफ रखेंगे, ये कुछ ज़्यादा स्पेस हो गया, हमें इतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं थी, बट अब है तो घर का स्पेस, अभी कुछ नहीं पता, अभी तो बाद में कहीं बड़ा कम पड़े स्पेस भी, लेकिन करते हैं, एक स्टार्टअप है, लेट्स सी। और ये मशीनें हटानी पड़ेंगी, हमारा स्टफ आएगा यहाँ पे, ठीक है स्पेस बहुत है। ये यहाँ पे ऑफिस बनाना पड़ेगा लोगों के अपने, और उस साइड पैकेजिंग, फिर वहीं से रफा दफा, और जल्दी आने वाला है वीडियो के कहीं एक हफ्ते बाद ही आ जाए, जल्दी आने वाला था। बहुत सारे काम करना पड़ेगा साथ साथ, बॉडी भी बनानी है, काम भी करना है। चलो नीचे मॉम के, जो भी मॉम ने अपना बना रखा छोटा सा केबिन, उधर चल के थर्ड व्हील लेते हैं। तो गाइस नमकीन आ चुकी है, हमारा स्नैक आ चुका है, थर्ड मील हमारी स्टार्ट होगी नमकीन से। हाँ वही ये अभी नब की है, तो ये रही हमारी थर्ड मील, जिसमें हमने डाल रखा है चिकन जो कि है 250 ग्राम, और 250 ग्राम वाइट राइस, और एक होल व्हीट टोटीला सैलेड भी है इसमें, जो कि है 3 ounces, तो ये नॉर्मल सी डाइट। और ये मॉम ने नई कंपनी ली है, अब ये करोड़ों की बात हो चुकी है,
और इसको भी हम दिखाएंगे बाद में जब ये पूरा रेनोवेट हो जाएगा अच्छे से। ऊपर वाला फ्लोर तो देख लिया, वो भी होना है रेनोवेट। मालकिन मालकिन तो नहीं, मालिक बनना आ जा रहा है संभाल ले। अभी ठंडा खाया नहीं जाएगा, गरम कर दी कैसे चलो। ये भी ठीक है, खाना गर्म होके आ गया, टेस्ट फिर भी जीरो, चटनी भी कुछ नहीं कर सकती अब तो। कोई नहीं, खा लेंगे बॉडी के लिए कुछ भी। थोड़ी पोजिंग रूटीन है जो मेरा चल रहा है वो भी करना है, फिर एक डाइट लेंगे, डाइट ही डाइट। और नेक्स्ट आगे वाली थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, राइस राइस बहुत हो गया। तो गाइस घर आ गए और अभी फोर्थ मील का टाइम हो चुका है, थोड़ी एनर्जी डाउन है, अभी जो नेक्स्ट मील है ना उससे एनर्जी फुल ऑन आने वाली है। तो नेक्स्ट मील में हम यूज करने वाले आलू, और इसमें हम कितने आलू छीलेंगे अभी वो ग्राम से पता चलेगा, मेरे को चाहिए 300 ग्राम। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे काट के एयर फ्रायर में डाल के फुल फ्रेंच फ्राइज वाला टाइप का बना देता, लेकिन आधा घंटे एक घंटा लेट है हम मील में, तो इसलिए जल्दी से लपेट दे रॉक। और फिश इसमें हम सोल यूज़ कर रहे हैं, सेलमन नहीं है सोल है, और ये आंटी को मैंने पहले ही बोल दिया था फ़ोन करके कि डाल के घुमा दो, सब एक्सपर्ट है यहाँ पे, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, छीलने वाली होती है। वैसे आधे लोगों की बुद्धि बहुत तेज़ है, वो समझ गए होंगे कि क्या करने वाला है क्या लाने वाला है, फिर जिन्हें पता है वो चुप रहो। आंटी ने तो फुल क्रिस्पी कर दिए फिक्स। सो आज का टचअप है कड़ी, आज आंटी ने कड़ी बनाई है तो कड़ी का फायदा उठाएंगे हम। और इसके साथ गुड फैट भी लेना है, गुड फैट में हम ले रहे हैं 26 बादाम, ना कम ना ज़्यादा, 26 बादाम। तो सैलेड भी है इसके अंदर, धीरे धीरे दिमाग चलता है मेरा। 3 ounces सैलेड, जिसमें हम आलमंड भी यूज़ कर रहे हैं, आलमंड मिल्क, और ये 200 ml है, जो कि एक 200 ml ले रहे हैं हमें, लेकिन 200 ml का पूरा पैक आता है तो नापने की इतनी ज़रूरत है नहीं। थोड़ा पानी मिला रहे हैं हम दूध में, कि भाई इतना बजट नहीं है कि रोज़ रोज़ आलमंड मिल्क 300 ml पी ले, 200 तक ही है। और इसमें 2 scoop मैंने पहले से डाल रखी थी, 2 scoop प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन एंड गुड फैट इसमें नहीं है। तो ये हमारी सिंपल फिफ्थ मील है, क्योंकि सिक्स्थ वाली थोड़ी हैवी है। ये ठीक है, ईजी टू ड्रिंक, डाइट की डाइट, प्रोटीन का प्रोटीन मिल रहा है। हम आज से पूछूंगा देसी गाय का दूध नहीं चलेगा। पोजिंग करने के बाद वही हाल है, जितना वर्कआउट कर लो सेम पावर लगती है, मसल होल्ड करना सो डिफिकल्ट। तो गाइस लास्ट मील के लिए स्वीट पोटैटो हो चुके हैं, और इसके साथ मैं लेने वाला हूँ रेड मीट, ऑफ कोर्स नेचुरल क्रिएटिन, इसको अभी पहले फ्रोजन है तो थोड़ी देर पानी में रख के फिर इसको एयर फ्रायर में आधे घंटे के लिए, वो भी 80 डिग्री पे, जब ये बनेगा आधे घंटे में, बहुत मेहनत है इसके में, इसमें पेशेंस ही है, तुम्हें आधे घंटे पहले रखना पड़ेगा खाना है तो अभी इसके बाद सीधा सोने वाला हूँ और इसको मैं बाद में खा लूँगा ठूस लूँगा। तो ये है मेरी मील, लास्ट में आपको बता देता हूँ अभी, ये मैंने 250 ग्राम स्वीट पोटैटो, वो भी रात में भी काफ चल रहे हैं मेरे, एंड ये रेड मीट है जो कि 6 ounces है, एंड इसके साथ गुड फैट भी ले रहा हूँ मैं, गुड फैट भी मैं ले रहा हूँ, 1 चम्मच पीनट बटर जो कि वहीं कहीं रखा है। तो ये है मेरी लास्ट मील ऑफ द डे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पानी भर दूँ इसमें,
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अभी ये फेज वन चल रहा है, अभी फेज टू भी स्टार्ट होने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड एंड जब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू एंड सरप्राइज के लिए रेडी रहना जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड फॉर द सरप्राइज। बाय।